इस घड़ी हम गवाही को सुनेंगे। प्रभु के दास, इस बहन की गवाही है। बहन का नाम रिया है और ये चारपारा गांव से आए हैं। yes. और बहन को 3 दिन से बुखार थी और ये चल फिर नहीं पा रही थी, परंतु प्रार्थना के बाद ये बच्ची बिल्कुल चंगी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। क्या इनको क्या समस्या थी दीदी, एक बार आप बताएंगे ना? एक सप्ताह से बुखार थी, बुखार कम हुआ तो 3 दिन से इसकी शरीर सुनिया हो गई। तो चाचा चाची से प्रार्थना करवाए थे रात के, तो ये सीढ़ियां चढ़कर आ गई, उतर गई। प्रेस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, बुखार के वजह से हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हम गवाही को लेंगे। प्रभु के दास, इस बहन की गवाही है। बहन का नाम दिव्या है और ये बहन छोटे रवेली से आई है और इनकी समस्या बुखार ही थी, परंतु प्रार्थना के बाद ये बहन भी पूरी रीति से चंगी हो गई है। हालेलुया। सिस्टर एक बार फिर से बताएं। बुखार के समस्या से तो प्रार्थना की, मेरे भाभी ने तो चंगा हो गई। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से दुआ किया और ये बहन बुखार से पूरी रीति से चंगी है। हालेलुया। होता ही, बस होता ही, यीशु बड़ा काम करता है। ये ताही, बस होता ही, यीशु बड़ा। प्रभु के दास, एक और बहन की गवाही आई है। हाँ हाँ। बहन नरियरा से, बहन का नाम नायरा है, सॉरी। yes. और ये बहन भी छोटे सीपत से है और इनकी समस्या थी कि इनको पेट में दर्द थी, उल्टी थी, परंतु जैसे ही प्रभु के दास ने इनके लिए प्रार्थना किया, इनकी सारी समस्या इनको छोड़ के चली गई। हालेलुया। सिस्टर, आपको मेरे को नहीं, मेरी बेटी को थी, रात को पेट में दर्द हो रही थी, उल्टी, और प्रार्थना किया तो प्रभु ने तुरंत ही उसको चंगा किया। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से ताली बजाए, बहन के बेटी को परमेश्वर ने चंगाई दी है। हालेलुया। प्रभु के दास, एक और गवाही आई है। बहन के पति की गवाही है। भाई का नाम दीपक बन जा रहे हैं और ये खरसिया से आए हुए हैं और इनके पति को भी बुखार था, परंतु जैसे इनके पति के लिए प्रार्थना हुई, इनके पति भी पूरी रीति से चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। सिस्टर, आप बताएं आपके हस्बैंड को क्या समस्या थी? सुबह ना, सोमवार की शाम को, मतलब शाम को बुखार आ गया था थोड़ा सा, तो रात को ज्यादा बढ़ गया उसका बुखार, तो आज ही से प्रभु की साक्षी खेल है ना, उसको शरीर चुपराने से उसकी बुखार से चंगाई सुबह से आई। आमीन, हालेलुया।
इनके पति को फीवर था और इन्होंने आशीष जल छिड़का और आशीष जल के छिड़कने से प्रार्थना के दौरान इनके पति पूरी रीति से चंगे। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया। एक और गवाही है बहन की, प्रभु के दास। बहन का नाम पुनी भाई है, ये ग्राम छपोरा से आई हुई हैं। हाँ। और इनको कमर दर्द की समस्या थी, परंतु प्रार्थना के बाद बहन कमर दर्द से पूरी रीति से चंगी हो गई है। हालेलुया जीसस। एक बार आप बताएं आपकी समस्या क्या थी और परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया। मैं पैर खस्ती थोड़ा गिर गई तो मेरे कमर में चोट आ गई थी, तो पैर तो दूर के बात ही, मेरे माड़ी को मैं छू नहीं पाती थी, ऐसे लहर नहीं पाती थी। लेकिन प्रभु दास छपोरा में गया, मैं प्रार्थना करवाई, तुरंत 3 बार मेरे पैर के छू आए। कल मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जैसे ही प्रभु के दास ने इनके लिए प्रार्थना की, इनकी सारी समस्या छोड़ के चली गई। इसलिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। बस होता है यीशु बड़ा काम करता है, ताही बस होता है। यीशु बड़ा काम करता है, ताही बस होता है। यीशु बड़ा काम करता। और इनके एक और गवाही है, इनके भतीजी के भी परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी होने में सहायता की, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया। बहन के बेटे की गवाही है। हाँ। इनके बेटे का नाम करण है और ये बड़े सिपत से आए हुए हैं। और इनके बेटे 10वीं में फेल हो गया था, परंतु प्रार्थना के बाद अभी पास हो गया है। इसलिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया बताएं, 10वीं में आपका बेटा फेल हो गया था, परंतु इस बार क्या हुआ? 10वीं में फेल हो गई से तेकर बाद प्रभु के दास से मैं हाथ रख के प्रार्थना करवाए ना, ओकर बाद पेपर दिला, इस तरह तक मोर बेटा पास हो। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो का बेटा पिछले साल में फेल हो गया था, परंतु जब इन्होंने प्रभु के दास से लहन प्रार्थना कराया तो इस वर्ष वो 10वीं से उत्तीर्ण हो गया। इसलिए हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। प्रभु के दास इस बहन के नाती की गवाही है और इनका नाती का नाम विशाल है। Yes. और ये गांपीरिस से आए हुए हैं और इनके नाती के समस्या थी कि इनके शरीर शून्य हो गया था, उनका बॉडी कोई काम नहीं कर रहा था। हाँ। परंतु प्रार्थना के बाद वो पूरी रीति से चंगा हो गए। हालेलुया। किसको छू लूंगा, पवित्र कर दूंगा। आप बताएंगे आपके नाती को क्या हुआ था, क्या समस्या कारण उनका बॉडी सुन हो गया था? मोर बेटा है ना, वो उठ के पेशाब पे जा नहीं सका, जैसे तो 2-3 दिन लग देखे ना डॉक्टर गांव के देवा देवा सुजीवा, तो गांव के सुजीवा नहीं धरिस, तो ओला रायगढ़ ले गए, रायगढ़ ले गए ना, तो ओकर ओला इलाज चलाई तो डॉक्टर रख दे इसे मतलब बोला पिसल लाई कर, तो मैं प्रभु यीशु के प्रार्थना करे ना मोर बेटा है बिना पिसन के बढ़िया हो गए। हालेलुया। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा।
हालेलुया। प्रभु के दास एक बहन के पोती के और गवाही आई है। हाँ। उनका नाम काव्य कुर्रे है और ये ग्राम कलमी से आई हुई है। हाँ। और उनको समस्या थी कि वो रात को बहुत ज्यादा रोती थी, रात में अच्छे से नहीं सो पाती थी, परंतु जैसे ही उनके लिए प्रार्थना हुआ वो बच्ची पूरी रीति से चंगी हो गई है। हालेलुया। बस ऐसा ही एक और प्रभु के दास बहन के ननंद की गवाही आई है। हाँ। बहन का नाम ललिता है और वो ठठारी ग्राम से आई हुई है और बहन की समस्या थी कि उनका दूध नहीं आता था और जैसे ही उन्होंने प्रभु के दास से प्रार्थना कराई उनका दूध आना स्टार्ट हो गया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु के दास। प्रभु के दास एक और बहन के बेटी की गवाही आई है। हाँ। बहन के बेटा का नाम दीपक है और ये सारस डोल ग्राम से आई हुई है और इनके बेटे को पीलिया की समस्या थी, परंतु जब इन्होंने प्रार्थना कराया तो प्रार्थना के बाद इनका बेटा भी पीलिया के बीमारी से पूरी रीति से चंगा हो गया। हालेलुया। पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको को छूलूंगा, पवित्र कर दूंगा। अब बताएं आपके बेटों को कितने दिनों से पीलिया की समस्या थी? बोला पीलिया के हमें नहीं जाना रहे, पीलिया के बुखार है का के उसे यह करवाएगी, इसका तो खून टेस्ट आते माँ का तेईस और किसाब ला टेस्ट करवा बे दो कहीं तो हम ऐसे टेस्ट करवा के दो दिन खाई नहीं दिन भर। तो मैं भैया से प्रार्थना करवाए, भैया मैं ओकर मुड़ तरी बैठे रहे हैं कैसे कर वो एक पीलिया हो गए का कहा थे कि साफ टेस्ट करवाए, तो मैं भैया से प्रार्थना करवाएं, भैया प्रार्थना करीस मोर बेटा ला वो कि साफ टेस्ट करवाए नहीं, प्रभु चंगा का भला करीस पीलिया के बीमारी से, वो कली प्रभु में लाखों लाखों धन्यवाद। परमेश्वर को हम महिमा देते हैं कि परमेश्वर इनके बेटे को पीलिया रोग से छुटकारा दी, इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को दे रहे। इस बहन के बहन की गवाही है। हाँ। इनके सिस्टर का नाम मिठाना है और ये जयपुर गांव से आई हुई है और इनके बहन की समस्या थी कि इनके भी कमर में दर्द थी, परंतु जब इनके सिस्टर ने प्रार्थना कराया तो प्रार्थना के बाद वो भी बिल्कुल चंगी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। प्रभु के दास इस बहन की गवाही है। हाँ। बहन की नाम रजनी है और ये गांव पिहरी से आई हुई है। हाँ हाँ। और इनके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, परंतु जब सिस्टर ने विश्वास के साथ प्रार्थना करवाई तो इनका पति का शराब पीना भी बंद हो गया। हालेलुया। उनके पति आए क्या? आपके पति आए हैं? बुलाओ 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 बुलाओ, बड़ा आनंद आएगा फिर तो। बुलाओ बुलाओ। पूछो भाई साहब कब से आपने शराब पीना बंद कर दिए हैं? कब से भैया आपने शराब पीना बंद किए? 7 महीना ला ना शराब पीना बंद कर दे रहे हैं। आपने कितने दिन तक शराब पिए? मैं कम से कम 9-10 साल से मैं शराब 9-10 साल से आपने शराब पिया, लेकिन आपने कैसे अचानक शराब छोड़ दिए? कैमरा में बात करो, कैमरा में सामने। ऐसे पीता था लेकिन प्रभु के बारे में मेरे को उतना जानकारी नहीं था, सब बोलते थे कि प्रभु पर विश्वास करो फिर आपका शराब छूट जाएगा, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता था क्योंकि मैं शैतान के चक्कर में था, दारू मेरे आदि बन चुका था,
फिर मैंने मेरे पत्नी ने थोड़ा बहुत परमेश्वर का प्रार्थना करता था, फिर भी मेरे को उतना विश्वास नहीं होता था। फिर हमारे एक ना बहनों ही हैं जिसने थोड़ा बहुत आकर प्रार्थना करता था, फिर भी मैं जब काम करके आया ना बीच में भटक गया था। फिर जो यहाँ का हमारे गांव का राधा दीदी है जो प्रार्थना करने जाता था, फिर मेरे बीबी से ना प्रार्थना करवाया, फिर उसके बाद मेरे को भी पिता परमेश्वर पर विश्वास आया। फिर विश्वास किया ना तो मेरा शराब पीना छूट गया। हालेलुया। दारू पीने वाले भाइयों देखो, हालेलुया, ताली बजा भाई साहब के लिए। हाँ, परमेश्वर देखो कैसे काम करता है। हालेलुया, करता है कि नहीं परमेश्वर काम? यस। जो 9-10 साल से ये शराब पीता था बिल्कुल नहीं छूटता था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने छुआ और प्रार्थना के बाद ये भाई साहब का जीवन बदल गया। जोरदार ताली बजाओ इस मित्र के लिए। बस होता ही यीशु बड़ा काम करता है। प्रभु के दास इस बहन के बेटी की गवाही है। हाँ। और इनके बेटी का नाम सौम्या है। Yes। और ये ग्राम सारस डोल से आई हुई है और इनके बेटी को भी बुखार की समस्या थी और बुखार होने के कारण ये बच्ची 2 दिन तक खाना पीना नहीं खाई थी, परंतु जैसा इनके लिए प्रार्थना हुई ये बच्ची पूरी रीति से चंगी हो गई है। हालेलुया। बीमारी सिस्टर बताएंगे कितने दिन से बुखार थी? सबको जय मसीह की। मेरी बेटी को 2 दिन से बुखार था लेकिन खाना नहीं खा रही थी। रात में संडे को, पिछले सप्ताह संडे था, उस रात में 11 बजे रात बहुत बुखार था। फिर आत्मिक पिता से प्रार्थना करवाई फोन के मोबाइल के द्वारा, फिर चंगी हो गई मेरी बेटी। इसके लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। Yes, धन्यवाद। और मेरी एक और गवाही है, मेरी माँ को बिच्छी ने काट लिया था। वो संडे का दिन था, 6 बजे का टाइम था। फिर पात्नी पिता से कॉल कर प्रार्थना करवाई, फिर वो ठीक हो गई, चंगी हुई। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सारी गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। चली जा बीमारी ये शरीर ये सुधा, चली जा बीमारी। प्रभु के दास इस बहन की गवाही है। बहन का नाम चित्रेखा है और ये गांव पिहरी से आई हुई है और इनको जॉब नहीं मिल पा रही थी और ये जॉब के लिए प्रार्थना करवा रही थी और जैसे ही प्रभु के दास ने और जैसे ही प्रार्थना संगति में हुई इनको एक प्राइवेट जॉब मिल गई। इसलिए हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। प्रभु के दास इस एक और बहन की गवाही आई है। अब बहन का नाम श्याम बाई है और ये ग्राम बड़ी सिपत से आई हैं और इनको सीने में दर्द की समस्या थी और इनका सर में भी दर्द थी, परंतु बहन ने जब प्रभु के दास से प्रार्थना कराई तो सारी समस्या इनके शरीर को छोड़ के चली गई। हालेलुया। चली जा बीमारी ये शरीर ये प्रभु के दास एक और बहन की गवाही आई है, इनकी बहू की गवाही, और मैं चाहूंगी उनके बहू भी सामने आए। और इनके बहू का नाम बलेश्वर, इनके बेटे का नाम बलेश्वर है और ये ग्राम पिहरी से आई हुई हैं और इनकी समस्या थी कि
इनके बहू मतलब इनके बेटे का पत्नी अपने मायके चली गई थी, परंतु प्रार्थना के बाद ये बहन अपने ससुराल वापस आ गई। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। बताएंगे कैसे आप वापस चली गई थी अपने मायके। ये एक्चुअली शैतान इनके जीवन में काम किया और ये अपने मायके चली गई थी, परंतु जैसे इन्होंने प्रार्थना कराया परमेश्वर इनके मन को बदला और प्रार्थना के बदौलत ये अपने घर परिवार में वापस आ गई। हालेलुया। लेता ही बस होता ही यीशु बड़ा काम करता, लेता ही बस होता ही यीशु बड़ा काम करता। ये बहन एक भाई की गवाही को लेकर आई हुई है प्रभु के दास, और इनके जो जिनके जो भाई हैं जिनकी टेस्टमनी इनको देना है उनका नाम कबीर है और वो ग्राम मोहतरस से हैं, और उस भाई को मधुमक्खी ने काट लिया था, परंतु जैसे इस बहन ने उनके लिए प्रार्थना किया और वो भाई भी पूरी रीति से मधुमक्खी के काटने से जो इन्फेक्शन होता है जो बॉडी फूल जाता है वो सारी समस्या से वो भाई भी चंगा हो गया। हालेलुया। प्रभु के दास एक बहन के भी गवाही आई है, बहन के बेटे की गवाही है, बहन के बेटे का नाम इसहाक है और ये ग्रामवासी से आई हुई हैं और इनके बेटे को सर्दी बुखार जुकाम की समस्या थी, परंतु जब इन्होंने प्रार्थना करवाई तो इनके बेटे सर्दी जुकाम से पूरी रीति से चंगा हो गए। हालेलुया। चली जा बीमारी ये शरीर ये सुदा, चली जा बीमारी प्रभु के दास। एक और भाई की गवाही आया है, भाई का नाम धीरज है और ये बड़े कटेकोनी से आई हुई हैं और इनको बार बार पेशाब जाने की समस्या थी, परंतु जब इस भाई ने प्रार्थना कराया तो सारी समस्या इनके जीवन को छोड़ के चली गई। हालेलुया। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको बताएंगे आपको कितने साल समय से समस्या थी। लगभग 15 दिन से बार बार पेशाब हो रही थी, मैं खाना खा के रात के सोने के समय सोते रहा चालू हो जाते 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बार 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 पेशाब जाता रात होने सूतत में। फिर ओकर बाद भैया पास्टर भैया करा फोन के माध्यम से प्रार्थना करवाए तो ओकर बाद बढ़िया उस दिन से मैं चंगा हो गए। भाई को 15 दिन से समस्या थी, परंतु जैसे इन्होंने प्रार्थना कराया प्रभु ने उन्हें चंगा किया, इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। अब प्रभु के दास और इस भाई के बहन की अच्छा इनके बहुरिया की गवाही आई हुई है, इनकी बहुरिया का नाम खुशी है और ये ग्राम कुर्दा से आई हुई है और इनकी बहुरिया जो प्रेग्नेंट थी परंतु प्रार्थना के बाद इनके बहुरिया का नॉर्मल डिलीवरी हो गया, इसलिए हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। प्रभु के दास इस बहन की बेटी की गवाही आई हुई है, इनके बेटी का नाम सीमा था
और ये ग्राम बड़े सिपत से आए हुए हैं। हाँ। और इनके बेटी की समस्या थी कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होती थी, परंतु जब इन्होंने प्रार्थना करवाई तो उनकी पूरी दर्द चली गई है यीशु के नाम में। चली जा बीमारी है ये शरीर ये सुदा, जा चली जा बीमारी है ये शरीर ये सुदा। प्रभु के दास, एक और भाई का गवाही आया है, इनका दादाजी का टेस्टिमनी है। इनका दादाजी का नाम भूपेंद्र नारंग है और ये ग्राम नगारीडी से आए हुए हैं। और इनको इनके दादाजी को शुगर की समस्या थी, परंतु जब इन्होंने प्रार्थना कराया तो इनके दादाजी का शुगर की सारी समस्या चली गई है। प्रभु के दास, इस बहन की गवाही है और बहन का नाम सावित्री है और ये ग्राम देवरघटा से आई हुई हैं। और इनकी इनके पति को समस्या थी, इनका पति भी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, परंतु जब इन्होंने प्रार्थना के साथ नहीं विश्वास के साथ प्रार्थना कराया तो इनका पति का शराब पीने की लत भी छोड़ के चली गई है। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। दीदी बताएंगे आपके हस्बैंड कितने साल से शराब पी रहे थे। हालेलुया, सबके धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु की। मेरे पति 10-15 साल से वो क्रिश्चियन हुए, उतने दिन से दारू पी रहा है और दारू पी के प्रार्थना करवा करो अरे थक गई। अब आधे तला डरते झगड़ते थे, अब विश्वास के धन में परमेश्वर के दया करके प्रार्थना करती रही करती रही। 1.5 साल हुआ है मेरे पति छोड़ा है दारू। हालेलुया, 15 साल से इनका हस्बैंड शराब पी रहे थे, परंतु बहन ने विश्वास के साथ प्रार्थना करवाई और खुद वो प्रार्थना करती थी और प्रार्थना के दौरान सच में परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुना और उनके पति अभी पूरी रीति से शराब के लत से छूट गए। इसलिए हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, के दास। yes. ऐसा भाई का गवाही है, भाई का नाम किशन है। हाँ। और ये ग्राम बड़े सिपत से आए हुए हैं और इनको भी शराब पीने की लत थी, परंतु जब इन्होंने प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया तो ये भी शराब पीने से पूरी रीति से चंगे हो गए। हालेलुया, बीमारी है ये शरीर ये बताएंगे आप कितने साल से शराब पीने की लत थी आपको भी। सब जय मसीह की। मैं 25 साल से शराब में डूबा था, 25 साल से मैं प्रभु में रहते हुए 25 साल से गलती करता था कि इसलिए कि प्रभु है कि नहीं मैं देखना चाहता था, लेकिन सचमुच परमेश्वर जीवित है, उसका धन्यवाद करता हूं मैं सचमुच। भाई प्रार्थना किया राजेश राय और उसके सचमुच परमेश्वर सचमुच खड़ा होकर मेरे को बोला कि बेटे जीवित रहना है, शराब छोड़ दे। मैंने बोला और ना विश्वास किया, शराब छोड़ गया। परमेश्वर का धन्यवाद। इस भैया को 25 वर्ष से शराब पीने की लत थी, परंतु जैसे ही ये हालांकि विश्वास में थे परंतु शैतान ने इनके मन को कई बार भटकाया, इस कारण वे उस लत में डूबे हुए थे। परंतु जब इन्होंने प्रार्थना करवाया और विश्वास किया तो सच में 25 वर्ष के लत को परमेश्वर ने पूरी रीति से छुटकारा दिया। इसलिए हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। मैं जिसे को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसे को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। प्रभु के दास इस भाई की गवाही है। इस भाई का नाम रोहित कुमार है और ये ग्राम मोहतरा से आए हुए हैं। हाँ। और इनकी समस्या थी कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे,
इनका परिवार उद्धार के अनुभव में नहीं आया था, परंतु जब इन्होंने शायद संगति में आया होगा, इसलिए अभी इनका परिवार अभी उद्धार के अनुभव में पाया जाता है। इसलिए हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया प्रभु के दास। इस भाई की गवाही है, भाई का नाम विजय कुमार है और ये ग्राम बड़ी सी बस से आए हुए हैं और इनको इनको समस्या थी कि एक बाइक खरीदना चाह रहे थे, इनके पास कोई बाइक नहीं थी और ये प्रभु के दास से प्रार्थना कराएं और प्रार्थना करने के बाद इनको एक बाइक की आशीष मिली है। इसलिए हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया। एक और गवाही था, ये पिछले संडे दिए हुए थे, इनका जो बेटा है राजू, इनको भी यूरिन की समस्या थी बहुत दिन से। उनका यूरिन मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बूंद बूंद गिरता था और ये लोग निरंतर प्रार्थना में बने हुए हैं। पिछले संडे आए थे तो कुछ मात्रा में वो समस्या थी, परंतु भाई बता रहा है कि अभी वो भाई पूरी रीति से उस समस्या से छुटकारा को पा चुका है। हालेलुया चली जा बीमारी ये शरीर ये सुदा है इनकी और इनके दीदी की। इसलिए मैं चाहूंगी इनका दीदी भी सामने आए ना, शायद इनके दीदी का नाम ज्योति है और ये ग्राम किरिस से आए हुए हैं और इन बहन को दुष्टात्मा बहुत ज्यादा परेशान करती थी, दुष्टात्मा से बच्चे लोग परेशान थे, परंतु जैसे इन्होंने प्रार्थना करवाया प्रभु के दास से, ये दोनों बच्चियां दुष्टात्मा के अटैक से दुष्टात्मा के प्रभाव से पूरी रीति से चंगी हो गई है। हालेलुया चली जा बीमारी ये शरीर ये सुदा जा चली जा बीमारी ये शरीर ये सुदा। सिस्टर कितने साल से आपको दुष्टात्मा पर अटैक करती थी आप बताएं? एक डेढ़ महीना से। ये बहन बता रही है एक डेढ़ महीना से डेविल दुष्टात्मा इनको पूरी रीति से परेशान करती थी, परंतु जैसे ही आपने प्रार्थना कराया पूरी रीति से चंगी हो गई। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक और हमारी भी गवाही है, मेरे भाभी की गवाही है। कल उसका डिलीवरी होने वाला था और जैसे ही उनका होने वाला डिलीवरी तो बोलते हैं ना कि पानी घर में ही फट गए उनका और उसको लेकर गए फिर हॉस्पिटल, तो घोघरी में लेकर गए तो घोघरी वाले वो हॉस्पिटल बंद था, फिर हम लोग उसको मालखुर्दा मिशन चौक में लेकर गए तो मिशन चौक वाले ने बोला कि हम इसको नहीं रख पाएंगे, इसको हम लोग रायगढ़ शिफ्ट करेंगे या फिर चांपा शिफ्ट करेंगे, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन मैंने बोला कि सर जी से मैं एक बार बात करता हूँ फिर देखेंगे क्या होगा, तो उसको ऐसे बोला। फिर जैसे ही प्रार्थना कराए सर जी ने बोला, पास्टर जी ने, हमारे आत्मिक पिता ने बोला कि पानी रख लो, और जैसे हमने पानी में प्रेयर कराई और उसको जैसे ही उसने प्रेयर पानी को पिया और उसके 10 मिनट के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गया। हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया। सारे गवाहियों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर को महिमा देती हूँ।
सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया है और आपके लाइफ में जो भी परमेश्वर काम को करता है, जो भी आपके प्रार्थनाओं का उत्तर या जो आप समस्या में रहते हैं उससे जब भी आपको छुटकारा मिल जाता है, आप परमेश्वर के महिमा के लिए अपने गवाहियों को जरूर रखें। और जितने भी लोग आने वाले समय में अपना टेस्टिमनी लिखवाएंगे, वैसे ही पुराने रीति के अनुसार आप काउंटर के पास जाएंगे और काउंटर में अपनी गवाहियों को रखेंगे। इस घड़ी हम कुछ सूचनाओं को सुनेंगे।